नहीं चाहती है कि देश की सेना के हाथ में हमारी वायुसेना मजबूत हो। ये राफेल को लेकर के ये झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से क्या बोलते हैं? नरेंद्र मोदी देश की वायुसेना को समझाएं कि डिफेंस मिनिस्ट्री ये क्यों लिख रही है कि नरेंद्र मोदी पैरेलल नेगोशिएशन कर रहे हैं। देश की वायुसेना को मजबूत करने का काम हो रहा है। सम्मान्य अध्यक्ष जी, ये कांग्रेस के लोग जरा बौखला जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। फ्रांस से राफेल डील को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी है। मोदी सरकार पर इस डील को लेकर राहुल गांधी जहां ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी उसी लहजे में उनके वार पर जोरदार पलटवार कर रही है। वैसे तो राफेल पर बीजेपी और कांग्रेस में पहले से ही खींचतान मची हुई है, लेकिन ये मामला लोकसभा में पीएम मोदी के बयान से और गर्मा गया। दरअसल 7 फरवरी को पीएम मोदी जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोल रहे थे, तो उसी वक्त कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी से राफेल डील पर बोलने की मांग करने लगे। खड़गे की डिमांड पूरी करते हुए पीएम मोदी ने भी जब राफेल पर बोलना शुरू किया तो कांग्रेस की जबरदस्त धज्जियां उड़ाई, साथ ही गंभीर आरोप भी लगाए कि वो कौन लोग हैं जिसके लिए राफेल सौदा रद्द करने पर लगे हो। दादा को राफेल के लिए सुनना है ना। एक एक आरोप का जवाब निर्मला जी ने गिन गिन करके दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हर पहलू को तराश करके देखा है। और सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि देश की सेना के हाथ में हमारी वायुसेना मजबूत हो। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि हमारी वायुसेना मजबूत हो। आप राफेल का सौदा रद्द हो, इसके पीछे किसकी भलाई के लिए लगे हो? आप किस कंपनी की भलाई के लिए खेल खेल रहे हो? कौन लोग हैं जिन्होंने आपको ले जाया है? आप इस प्रकार से देश की सेना के साथ ये व्यवहार करते हो? 30 साल तक देश की सेना को आपने निहत्था बना करके रखा था, और इतिहास गवाह है। पीएम मोदी सिर्फ यही नहीं रुके, कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोप पर एक और तगड़ा वार करते हुए कहा कि मैं सोचता था कि राफेल को लेकर वो झूठ भी इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोलते हैं। जब पारदर्शिता से कोई काम होता है तो ये कांग्रेस के लोग जरा बौखला जाते हैं। इतिहास गवाह है कांग्रेस पार्टी और उनकी यूपीए की सरकार का सत्ता भोग का कालखंड। रक्षा सौदों में दलाली के बिना काम कहीं नहीं। मैं कभी सोच रहा था ये राफेल को लेकर के ये झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से क्या बोलते हैं? ये मैं सोचता था। तो जब मैं डिटेल देखने लगा तो मुझे पता चला कि वो ये मान के चले हैं कि पिछले 55 साल में सत्ता भोग के काल में एक भी रक्षा सौदा बिना दलाली हुआ ही नहीं। कहां से कोई चाचा कोई मामा जब पारदर्शिता से ईमानदारी से देश की वायुसेना को मजबूत करने का काम हो रहा है। सम्मान्य अध्यक्ष जी, ये कांग्रेस के लोग जरा बौखला जाते हैं, सच उनको सुनने की आदत रही नहीं है। तो राफेल डील को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जिस तरह से सदन में हमला बोला और इशारों ही इशारों में बफोर्स घोटाले की याद दिलाई, उसे लगता है कि कांग्रेस बुरी तरह चिढ़ गई है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने सदन में राफेल पर कांग्रेस को जब जमकर धोया तो उसके अगले ही दिन राहुल गांधी दल बल के साथ सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए, और वो भी एक न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर, जिस पर खुद ही खबर काट छाट कर प्रकाशित करने के बीजेपी आरोप लगा रही है।
किसने कहा है कि वायुसेना को कमजोर कर रही है कांग्रेस? मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी किए हैं। क्लियरली वहां पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि नरेंद्र मोदी इज कैरिंग आउट पैरेलल नेगोशिएशंस। सो इट्स वेरी क्लियर, इट्स द ट्रूथ हैज कम आउट। नरेंद्र मोदी देश की वायुसेना को समझाएं कि डिफेंस मिनिस्ट्री ये क्यों लिख रही है कि नरेंद्र मोदी पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है, इसके बारे में बोले। Do I look rattled to you? Please take a good look at the Prime Minister. Take a look, good look at me and figure out who looks rattled. Holland ji ne clearly bola, Hindustan ka pradhanmantri chor hai. Usne mujhe kaha hai ki Anil Ambani ko 30,000 crore rupay dene hai. Wo Holland ji ne bola. Ab Defence Ministry keh rahi hai. Defence Ministry keh rahi hai ki pradhanmantri chor hai. Pradhanmantri parallel negotiation kar raha hai. प्रधानमंत्री ने हमारी नेगोशिएशन पोजीशन खराब कर दी, प्रधानमंत्री ने सॉवरेन गारंटी उड़ा दी। तो नाउ प्लीज आस्क द प्राइम मिनिस्टर, व्हाई इज इट दैट द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस हैज कॉल्ड हिम अ थीफ एंड व्हाई इज इट नाउ दैट द डिफेंस मिनिस्ट्री उनको चोर बुला रही है। तो राहुल गांधी जिस अखबार की कटिंग लेकर जोश में मोदी सरकार पर हमला बोलने आए थे, रक्षा मंत्री ने उस कटिंग पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पीएमओ किसी मामले में पूछता है कि प्रगति क्या है, डील कहां तक पहुंची, क्या हो रहा है, क्या ये फ्रांस में हो रहा है, क्या आप सभी आगे बढ़ रहे हैं, इसे हस्तक्षेप के रूप में नहीं माना जा सकता है। क्या एक पत्रकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो खबर छापने से पहले खोजे या कम से कम मंत्रालय से जवाब पाने की कोशिश करे? उन्होंने आधा सच छापा है। रक्षा मंत्री के उसी नोट पर लिखे कमेंट को नहीं दिखाया गया, क्यों? तो देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने जहां आधा सच छापने का आरोप लगाकर द हिंदू अखबार की मंशा पर ही सवाल उठा दिया, तो वहीं द हिंदू ग्रुप के चेयरमैन एन राम ने सफाई देते हुए कहा कि मुझे निर्मला सीतारमण की ओर से किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एन राम ने रक्षा मंत्री को सलाह देते हुए कहा कि जब वो समझौते में शामिल नहीं थी तो फिर किसी ऐसी चीज का बोझ अपने सिर पर क्यों ले रही हैं, जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता है। वैसे आपको बता दें कि राफेल डील भले ही पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर के वक्त हुई हो, लेकिन अगर निर्मला सीतारमण मौजूदा रक्षा मंत्री हैं, तो वाजिब सी बात है कि उन्होंने राफेल से जुड़ी फाइलें भी देखी होंगी और अपने मंत्रालय से जुड़े मुद्दे पर बोलने का उन्हें पूरा हक है। ऐसे में एन राम का ये कहना कि रक्षा मंत्री इस समझौते में शामिल नहीं थी तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, ये बिल्कुल समझ से परे है। आपको बता दें कि वायुसेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने साल 2015 में फ्रांस से राफेल सौदा किया था और इस डील के बाद वायुसेना अध्यक्ष वीएस धनोआ ने भी इसे एक बेहतरीन डील करार दी थी। There is no controversy. I mean, what is the controversy? Over I can't understand. Over the overprice. No, it is not overprice. I mean, we have negotiated the price. In fact, you know, 36 aircraft ka price it is lower than what was there in the MMRCA contract. 50% aapko offset mil raha hai. Uski serviceability mil rahi hai. I think we have, because it went government to government, the government has negotiated a very good deal. Even the technology transfer has been handled now. Because earlier it used to be. No, it is not that. Pehle kya tha ki hum ek squadron kharid rahe the. और बाकी हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ओल्ड MMRCA कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमने फ्लाई अवे कंडीशन में दो खरीदा बिकॉज हमारे नंबर डाउन हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने ये इमरजेंसी मेजर की तरह से खरीदा। बट उसमें भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में आपको काफी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है और दिस ऑफसेट इज क्लोज टू 50%। नो, इट इज नॉट टू HAL, बट इट विल बी टू DRDO, इट विल बी टू लॉट ऑफ पीपल, इट विल बी टू इंडियंस। We have negotiated a better deal in this MMR, this in the Rafale contract than what we did in the MMRCA, what was being quoted. We have negotiated a better deal. Of course, it's a cheaper deal. Deal के बाद से ही कांग्रेस मोदी सरकार पर लगातार हमले बोल रही है, लेकिन मोदी सरकार भी कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हट रही है। 8 फरवरी को राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार पर जितने भी आरोप लगाए, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने उनके आरोपों का लोकसभा में न सिर्फ जमकर बल्कि डटकर जवाब दिया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ। कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि देश की सेना के हाथ में
हमारी वायुसेना मजबूत हो। ये राफेल को लेकर के ये झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से क्या बोलते हैं? नरेंद्र मोदी देश की वायुसेना को समझाएं कि डिफेंस मिनिस्ट्री ये क्यों लिख रही है कि नरेंद्र मोदी पैरेलल नेगोशिएशन। देश की वायुसेना को मजबूत करने का काम हो रहा है सम्मान्य अध्यक्ष जी, ये कांग्रेस के लोग जरा बौखला जाते हैं।